होता है अब। 20/2/1996 की घटना होकर 29 तारीख को न्यायालय के समक्ष पहुंचा हो, यह अभियोजन से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना रिपोर्ट के घंटे के विलय का वह स्पष्ट करें, परंतु तत्समय विद्यमान परिस्थिति के अंतर्गत उसे यथासंभव युक्तियुक्त समय के भीतर अवश्य भेज देना चाहिए। अतः जहां कोई रिपोर्ट दिन में 12 बजे दाखिल की गई है और प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में तथा पुलिस थाने पर पुलिस बल की पर्याप्त संख्या के अभाव को ध्यान में रखकर यदि उसे शाम 6 बजे भेज दिया जाता, कौमा वहां यह नहीं कहा जाएगा कि विलंब किया गया। नेक्स्ट पैरा, इस संहिता की धारा 157(1) में प्रयुक्त तत्काल शब्द का तात्पर्य निसंदेह केवल यह है कि एक युक्तियुक्त संदेह के भीतर और बिना किसी अयुक्तियुक्त विलंब उसे मजिस्ट्रेट को अग्रसारित कर देना चाहिए, फिर भी उसकी प्रति को यदि तत्काल नहीं भेजा जाता तो केवल इसी कारण अभियोजन का संपूर्ण प्रकरण संदेहपूर्ण नहीं बन जाता, अपितु इस वजह से न्यायालय को सतर्क हो जाना पड़ता है और विलंब का स्पष्टीकरण जानने का प्रयास करना होगा। यदि नहीं किया जाता तो यह सावधानी रखनी चाहिए। निर्दोष व्यक्तियों को मिथ्यापूर्ण ढंग से नहीं फंसाया गया है। नेक्स्ट पैरा, जहां घटना प्रातः 10 बजे के लगभग घटित हुई हो और क्षत व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करा दिया
हो जो अपना कथन करने में असमर्थ हो और साक्षी द्वारा कथन के आधार पर सायंकाल 7 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल की गई हो। प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा यह दलील दी गई हो कि अभियोजन साक्षी के अनुसार स्टेशन गई थी जहां अपराध के शिकार व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट की गई। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा साक्षी का उक्त कथन जो कि एक विभ्रम की ओर किया गया प्रतीत होता है। उक्त धारा 439(1) के अधीन जमानत पर विस्तार के विषय में विनिश्चित करते समय न्यायालय को सुसंगत हेतु को पर विचार करना अपेक्षित है। फुल स्टॉप। उच्च न्यायालय के आदेश से यह प्रकट होना चाहिए कि जब वह जमानत की प्रार्थना पर राय का निर्माण कर रहा था तब वह उन कारणों के प्रति सजग और सतर्क था जो सृजनशीलता द्वारा जमानत की प्रार्थना को खारिज करने के लिए व्यक्त किए गए थे। फुल स्टॉप। वर्तमान प्रकरण एक ऐसा ही मामला था जिसमें ऐसी परिस्थितियां अतर्वलित थीं जिनमें जमानत मंजूर करने के लिए विशेष कारणों की अपेक्षा का पुनर्विलोकन करने की अपेक्षा अंतर्ग्रस्त थी। प्लेस्टॉप। प्रकरण के तथ्यों और अभियुक्त के पूर्व इतिहास तथा इतिवृत्तों पर विचार करते हुए जमानत को अस्वीकृत कर दिया था। उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी किसी बात को उल्लिखित किए बिना कि क्यों वह आदेश के विरुद्ध राय का निर्माण कर रहा है। क्वेश्चन मार्क। जमानत को मंजूर करना एक गलत निश्चय था। धारा 439 के अधीन जमानत रद्द करने का प्रश्न निश्चित रूप से जमानत की सस्वीकृति के प्रश्न से भिन्न है। फुल स्टॉप। धरती पर
मानव जाति का वजूद आदमी और औरत दोनों की समान भागीदारी के बिना असंभव है। फुल स्टॉप। किसी भी देश के विकास के लिए नर और नारी दोनों ही समान रूप से जिम्मेदार हैं। फुल स्टॉप। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाएं पुरुषों से अधिक महत्व रखती हैं। फुल स्टॉप। औरतों के बिना हम मानव जाति की निरंतरता के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि वो मानव को जन्म देती हैं। फुल स्टॉप। इसलिए कन्या शिशु को नहीं मारा जाना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा सम्मान और समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। फुल स्टॉप। हालांकि महिलाएं हत्या और दहेज प्रताड़ना आदि से अपनी ही बनाई गई सभ्यता में पीड़ित हैं। फुल स्टॉप। ये कितना शर्मनाक है। फुल स्टॉप। बहुत से समझदार लोगों के अनुसार एक शिशु कन्या को अनेक कारणों के लिए बचाया जाना चाहिए, कॉमा जैसे कोई भी लड़की किसी भी क्षेत्र में लड़कों की तुलना में कम सक्षम नहीं है और अपना सर्वश्रेष्ठ देती है। फुल स्टॉप। 1961 से कन्या की गर्भ में ही हत्या करवा देना एक गैर कानूनी अपराध है। फुल स्टॉप। यह ही नहीं, कॉमा लिंग परीक्षण चुनाव के बाद गर्भपात को रोकने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। फुल स्टॉप। किसी लड़के से तुलना करें तो यह अवश्य कहा जा सकता
है कि एक लड़की अधिक आज्ञाकारी कामा कम हिंसक और अभिमानी होती है। फुल स्टॉप। वह अपने परिवार कौमा नौकरी कौमा समाज या देश के लिए ज़्यादा जिम्मेदार साबित हो चुकी है। फुल स्टॉप। इसके अतिरिक्त माता पिता और उनके कार्यों की अधिक परवाह लड़कियों को ही ज़्यादा होती है। फुल स्टॉप। यही कारण है कि सरकार ने लड़कियों को बचाने और शिक्षित करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं। फुल स्टॉप। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार की ही एक पहल है। फुल स्टॉप। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने महिला स्कूलों में शौचालय के निर्माण से अभियान में मदद की है। फुल स्टॉप। बालिकाओं और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध भारत के विकास में एक बड़ी बाधा है। फुल स्टॉप। गर्भ में ही कन्या की हत्या करना बेहद संगीन जुर्म में से एक है और सरकार ने अस्पतालों में लिंग निर्धारण कौमा स्कैन परीक्षण आदि के लिए अल्ट्रासाउंड पर रोक लगा दी है। फुल स्टॉप। सरकार ने यह कदम इसलिए लिया है ताकि वह लोगों को बता सकें लड़की को जन्म देना किसी भी समाज में अपराध नहीं है। फुल स्टॉप। भारत में लड़की लक्ष्मी का रूप मानी जाती है और यह भगवान का दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा है। फुल स्टॉप। इसलिए एक बेटी से कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए। फुल स्टॉप। समाज और देश की भलाई इसी में है कि हम सब मिलकर लड़कियों को बहुत सारा सम्मान दें और बहुत सारा प्यार दें। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसे शेयर, कमेंट और लाइक आप ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।
जिससे आपको हमारी न्यू नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहेंगी।